हेलो हेलो जैन साहब हाँ जी बोल रहा हूं कौन बोल रहे हैं नमस्कार सर आपकी सोसाइटी में रहते हैं ऐसे कभी मुलाकात नहीं हुई तो आपको चलते फिरते देखा है मैंने मैंने अपनी वाइफ से भी कहा था कि जैन साहब से कभी बातचीत नहीं हुई मैंने कहा चलो फोन पे बात कर लेते हैं कुंसे? मैं इसी सोसाइटी में, तो में बी दो सौ बयासी बी दो सौ बयासी बी ब्लॉक हाँ चीज हाँ। दो साल पहले हुए थे जब आप शिफ्ट हुए मैंने कहा भी था अपनी वाइफ से मैंने कहा बुलाओ भाई जैन साहब को कभी तो क्या होता है आजकल काम वाम में हर इंसान लगा हुआ है आप भी बिजी हो मैं भी बिजी हूँ बिल्कुल तो बिल्कुल मैंने कहा आज आज बात कर लेते हैं जैन साहब बेटे की शादी है सोलह तारीख की अरे अरे है। <laughs> हाँ मतलब ये था कि धन्यवाद जी धन्यवाद तो मतलब यह एक ही बेटा है तो चाहत थी कई दिन से मान भी नहीं रहा था तो, क्या, करता क्या करता है, है तो लड़की जबलपुर बहुत से बहुत है ना वहाँ से लड़की है क्या बहुत 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 बस बहुत ये बहुत है, है कि भगवान करते सब कुछ ठीक ठाक आप भी प्रार्थना करना अरे बिल्कुल बिल्कुल सर हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सोलह सोलह का रिसेप्शन है सोलह तारीख का रिसेप्शन है फार्म हाउस में सात सौ के करीब है सात सौ लोग आ रहे हैं तो, तो मैंने हाँ मैंने कहा गैदरिंग नहीं बड़ी रहे? है क्योंकि ये है कि बेटा फिर हमारी चाह थी कि शादी बड़ी करें मतलब उसमें काफी जितने मतलब आप समझ सकते हो औलाद की खुशी के लिए सारी खुशी है तो मैंने सोचा जो कुछ है मतलब वो बेटे के लिए है तो एक बार होती है खर्चा तो करना है पसंद बा आप समझ सकते हो आप समझ सकते हो एज अ बाप आप समझ सकते हो इंजीनियर हो तो सोलह का रिसेप्शन है शाम में आठ बजे का टाइम रखा है हमने बहुत बढ़िया बहुत <laughs> बढ़िया <बहुत थोड़ी है। laughs> बस आप चलो आपसे आज तक मुलाकात भी नहीं हुई थी ना आपसे अरे बिल्कुल कोई बात नहीं आप आएंगे तो पर... मुलाकात भी हो जाएगी <laughs> नहीं मैं तो अभी नहीं, नहीं।, नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं शादी के काम में बड़ा बिजी चल रहा हूँ ये निकल जाती है सुबह चांदी चौक अपने वो सूट वूट लेने के कुछ होते हैं इनके है।, है कि मैं अपना बावरची और ये सारे काम देखने पड़ते हैं क्योंकि मैं लंबा चौड़ा रखा है तो अरे कोई मेरी जरूरत को बताना मेरे को मेरे काफी मैं आपको बताऊंगा आप बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको बता यही अपनापन है यही अपनापन है की आदमी मतलब अपनों को ही बता सकता है तो सोलह का रिसेप्शन है शाम आठ बजे का हमने टाइम दे रखा है मतलब आठ बजे देखते हैं तो फिर नौ बजे तक लोग आते हैं मैंने कहा थोड़ी सर्दी भी शुरू हो जाएगी तो आठ बजे शाम में अरे बहुत आप लोकेशन भेज दो ना मैं आ जाऊँगा पहुँच जाऊँगा आप क्यों आ जाओगे हेलो तो आप क्यों आ जाओगे तुमने तो बुलाया, मेरे नहीं, बुलाया नहीं नहीं मैं मैंने बुलाने के लिए थोड़ी किया है मैंने तो ऐसे ही हाई करने के लिए किया हमारे अपने अपने हैं सात बहुत हो गए अब तो आपने मुझे फोन क्यों किया है यही बताने के लिए बेटे की शादी सो तो है सोलह की को के के कोई टोन होती है हमारे अपने लोग हैं यार आप बुरा क्यों मान रहे हो तो मैंने नहीं ऊपर से बुरा मान रहे हो आप कोई मतलब नहीं है नहीं बोला अरे मैं बस ये कहता हूँ मैंने सिर्फ आपने कहा ना कि सोलह को क्यों यार क्यों मिलते हैं सोलह को, को. सब司क नहीं क्यों मिलते हैं सोलह को नहीं मिल रहे हमारे अपने काम आ... पे जाए Captain... काम पे जाओ काम पे जाओ मुझे भी बात नहीं करनी मुझे करनी नहीं है करनी नहीं है ठीक है आप बदतमीजी मत करो यार बदतमीजी मत करो नहीं मिलना आपसे मिलना ही नहीं शादी नहीं वैसे भी नहीं मिलना ठीक है भाई मैं फोन का